बधाई हो, लड़का हुआ है। अरे लड़की हो गई। ये सिर्फ गांव में ही नहीं, सब जगह होता है। मेरी कहानी छह साल पहले जब मैं अपने माँ के गर्भ में थी। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि हम इसे अपना बच्चा नहीं मान सकते। पर क्यों? वो मेरी बेटी है, वो हमारी बेटी है। नहीं, वो मेरा बच्चा नहीं है। मैं लड़का चाहता था, सिर्फ लड़का। मैं उसे अपने घर से बाहर फेंक दूंगा।
अगर मेरे बच्चे के साथ ऐसा दोबारा हुआ तो? मैं आपकी बेटी हूँ। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ पापा। अभी मैं अपनी माँ के गर्भ में हूँ। मुझे डर है कि क्या आप मुझसे मेरे जन्म के बाद प्यार करेंगे या आप मुझे अपने घर से बाहर फेंक देंगे, जैसा आपने मेरी बड़ी बहन के साथ किया था। मुझे ये दुनिया अपने साथ देखने दीजिए पापा। हर बच्चे को जीने का अधिकार है। हमारे बिना ये संसार कुछ नहीं है। हर नवजात शिशु भगवान की इच्छा है। हर लड़की अपने साथ खुशियां लाती है। वो लड़के से कम नहीं होती। मुझे जीने दें और अपनी इच्छाएं और सपने पूरे करने दें। मुझे बचा लो पापा। मैं क्षमा मांगता हूँ, मुझे माफ कर दो। मैंने जो भी किया था वो गलत था। ये हमारा बच्चा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे ये लड़की हो या लड़का। मैं बस तुम दोनों से प्यार करता हूँ। मैं भी आपसे प्यार करती हूँ। बधाई हो सर, लड़की हुई है। माँ और बच्चा दोनों सुरक्षित हैं। धन्यवाद भगवान। मैं अपनी बेटी का नाम नैना रखूंगा। इस तरह से मैं इस सुंदर से संसार में आई। अब मैं 6 साल की हूँ। अपनी प्यारी और पूरी फैमिली के साथ रहती हूँ।